नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए, हाउ टू स्टार्ट योर कार वॉशिंग बिजनेस इन पोर्चुगल। अगर पोर्चुगल में आप अपने कार वॉशिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगी, एक एक कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, रिवेन्यू कितना कलेक्ट होता है, कितना सेल होता है, आपका नेट प्रॉफिट कितना होता है, क्या मशीन चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या आपको कंज्यूमेबल लगता है, कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल क्या क्या आपको लग जाता है, बेसिकली जो कंज्यूम होने वाला मटेरियल है, कंज्यूमेबल जिसको बोलते हैं, प्रोसेस क्या क्या है, किस तरीके से कार क्लीनिंग होती है बेसिकली सिस्टमेटिक। फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, किससे ले सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट आएगा फ्रेंचाइजी में, वो सब तमाम क्वेश्चन का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको कितने लगने वाला है, इनिशियली 5 लाख प्लस 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस 1.8 लाख मंथली रनिंग कॉस्ट, तो टोटल अगर मैं मिलाऊं तो 6,80,000 का आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट लग जाना है, जिसमें 5 लाख इनिशियली आपको इन्वेस्टमेंट करना है और 1.8 लाख जो है वो मंथली आपका रनिंग कॉस्ट है। अब वो मंथली रनिंग कॉस्ट क्या क्या है बेसिकली, जिसमें 25,000 रुपये आपके बेसिकली वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के आपको लग जाते हैं, क्योंकि कार धोने में पानी भी लगता है, बिजली भी लगती है जिससे मोटर चलते, हाई प्रेशर जेट चलता है बेसिकली, तो उसमें 25,000 रुपये हमने लिया। अगर आपके पास में 2 बेड हैं, जिसमें एक बेड में लगभग डेली आप 10 कार तक उसमें वॉशिंग कर सकते हैं, 10 कार तक आप धो सकते हैं, तो हमने 2 बेड का यहाँ एग्जाम्पल लेके चला है आपके सामने, जो कि एक एक कैलकुलेशन में आपको उसके समझाऊंगा बेसिकली। तो 25,000 का वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, 50,000 रुपये का आपका रेंट हो गया, जो भी आप वहाँ पर जगह ले रहे जहाँ पर कार वॉशिंग होगा बेसिकली, स्टैंडर्ड 50,000 का, थोड़ा कम भी होता है कई बार, ज़्यादा भी होता है, एक एवरेज वैल्यू हम ले रहे हैं कि 50,000 का आपका बेसिकली रेंट हो गया, किराया होगा, और जो आपके 2 आप इंप्लॉय रखेंगे, जैसे आप कार वॉशिंग के लिए अगर इंडिया में किसी बंदे को रखते हैं तो 5,000 से लेकर 8,000 या मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का आपको बंदा मिल जाता है, एक पर्सन आपको मिल जाता है जो स्किल्ड पर्सन रहता है बेसिकली, वो 10,000 रुपये महीने में आराम से काम करता है। लेकिन जब उसको पोर्चुगल में आप लेके जाते हैं, वहाँ के बंदे को मत लीजिए, क्योंकि वहाँ का बंदा जो है, वहाँ का पर्सन जो है, वहाँ का जो लेबर होगा वो थोड़ा महंगा होगा, यहीं से आपको लेके जाइए, इंडिया से आप लेके जाइए, तो बेसिकली वो 20,000 रुपीज़ में, 20,000 INR में बिल्कुल आराम से खुशी खुशी आपके साथ जाएगा और वहाँ खुशी से काम भी करेगा। तो बेसिकली 2 आदमी को अगर आप लेके जाते हैं तो 40,000 रुपये उनकी सैलरी होगी, 2 लेबर की, 2 स्किल्ड लेबर हैं। कंज्यूमेबल की अगर मैं बात करूँ, जो कंज्यूमेबल ट्यूब्स होती है, फॉर्म होता है, कुछ भी जो भी कंज्यूमेबल आपको कंज्यूम हो रहा है, पॉलिशिंग वगैरह कंज्यूम हो रही है, जो टोन टायर टोन वगैरह कंज्यूमेबल, वो हम आगे बात भी करेंगे क्या क्या कंज्यूमेबल आप कंज्यूम करते हैं बेसिकली, तो वो 15,000 रुपये महीने के हिसाब से हम लगा लेते हैं। जो कैलकुलेशन किया, 2 बेड आपके रहेंगे बेसिकली, तो कंज्यूमेबल 15,000 हो गया, और मार्केटिंग और मिसलेनियस खर्चे की अगर बात करें तो 10,000 रुपये का ले लेते हैं, कि कहीं आपको मार्केटिंग कुछ करना पड़े, कुछ मिसलेनियस खर्चा हो उसके लिए 10,000 रुपये पकड़ लेते हैं, और 50,000 रुपये आप ये बिल्कुल जरूर ध्यान रखिए, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, कि आप जब किसी भी मार्केट का आप स्टडी कर रहे हैं या किसी भी बिजनेस का स्टडी कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस का प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली अपनी सैलरी उसमें रखना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं अपनी सैलरी उसमें कम से कम 50,000 रुपये रख लेता हूँ, 50,000 रुपये महीना मेरी सैलरी हो जाएगी, तो ये टोटल अगर खर्चे मिलाते, टोटल ये रनिंग कॉस्ट के मिलाता हूं, तो 1.8 लाख मंथली होता है, यानी जिसमें मैक्सिमम मेरी सैलरी 50,000 और मैक्सिमम 50,000 रेंट होता है, बाकी सब छोटे छोटे खर्चे, और 40,000 वर्कर का होता है बेसिकली। तो रिवेन्यू की अगर बात करें, रिवेन्यू कितना कलेक्ट हो गया इससे, तो बेसिकली अगर आप एक कार वॉशिंग कराते हैं तो 6 यूरो भी आपको मिल जाता है, 10 भी मिल जाता है, 12-15 यूरो भी मिल जाता है, तो ऑन एन एवरेज अगर एक बात करूं तो लगभग 10 यूरो पर कार के हिसाब से बेसिकली आपको मिल जाता है, 10 यूरो एक कार का मिल जाता है आपको ऑन एन एवरेज अगर बात करें, और 2 बेड अगर आपके पास में, तो बेसिकली एक बेड पे डेली एक बंदा 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है, दिन में जनरल शिफ्ट होती है, लगभग 10 कार तो आराम से धो सकता है, आराम से वॉशिंग कर सकता है, 8 घंटे में 10 बिल्कुल आराम से हो जाती है, क्योंकि एक कार वॉशिंग करने सब सिस्टमेटिक होता है, आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है, तो 2 बेड पे 10 20 आपकी बेसिकली कार वॉश हो जाती है, एक दिन में 20 कार वॉशिंग हो जाती है, और एक कार का आपको 10 यूरो मिलता है, तो 20 यूरो इंटू 10 तो बेसिकली 200 यूरो आपके हो गए, 200 यूरो, और 1 यूरो जो INR में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, जो यस्टरडे का डाटा जो हमारी टेक्निकल टीम ने रिसर्च किया, तो बेसिकली वो 83.49 इंडियन रुपीज होता है, 1 यूरो इजकल्स टू 83.49, तो 83.49 इंटू 200 यूरो, तो बेसिकली ये हो जाता है 16,699
97.20 INR, यानी लगभग 16,000 रुपए पर डे। अगर उसको मंथली कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आता है 5,00,916 रुपए, यानी 5,99,916 रुपीज। तो बेसिकली मंथली आपका इतना रिवेन्यू हो जाता है। लेकिन हमारे कुछ खर्चे भी होते हैं, जो कि कुछ खर्चा हुआ था हमारा 1.8 लाख का जो रनिंग कोस्ट था, अगर वो माइनस करते हैं हम 5,00,916 रुपए में से 1.8 लाख अगर हम माइनस करते हैं तो बेसिकली वो 3,20,916 रुपए बचता है, यानी 3,20,916 रुपीज, यानी 3.2 लाख हम मान लेते हैं, 3.2 लाख पर मंथ, यानी 3,20,000 रुपये आप पर मंथ कमा सकते हैं अगर आप 6,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपका इंटरेस्ट है कार वॉशिंग बिजनेस में। उसके बाद अगर मैं बताऊँ क्या क्या मशीनरी आपको चाहिए, उससे पहले मैं बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो ट्रेनिंग होता है अभी ऑनलाइन वाला अक्टूबर मंथ वाला तो बेसिकली चल रहा है, जो कि 12 नवंबर शेड्यूल किया था, इवनिंग 5 to 6 होता है ऑनलाइन। और अगर नेक्स्ट मंथ की बात करूँ तो नेक्स्ट मंथ ऑनलाइन जो शेड्यूल किया दिसंबर मंथ में 11 to 18 दिसंबर शेड्यूल किया है, और जो ऑफलाइन इसी महीने का यानी नवंबर महीने का जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है दिल्ली में जो होता है दिल्ली मयूर विहार फेस 1, वो 27, 28, 29 नवंबर को शेड्यूल किया, 3 डेज का रहता है वो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में वही सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, लॉजिस्टिक्स से कैसे बात करते हैं, अपने शिपिंग लाइन से कैसे निगोशिएट करते हैं, सोर्सिंग को कैसे निगोशिएट करते हैं, गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट देती है, क्या क्या इंसेंटिव देती है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड आपको पूरा समझाते हैं, सिखाते हैं, आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी होती है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग के बाद में भी आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट होता है, कभी भी आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर मैं मशीनरी की बात करूं क्या क्या मशीनरी आपको इसमें लगने वाली, बेसिकली तो मशीनरी आपको स्टीम कार वॉशर आपको लगने वाला, बेसिकली हाई प्रेशर वाटर जेट जो वॉशर जिसको बोलते हैं बेसिकली वो लगने वाला है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी करता है। प्रोफेशनल वैक्यूम क्लीनर आपको लग जाता है, जो कि इंटीरियर क्लीनिंग के लिए आपको यूज होता है। और अगर मैं कार बफरिंग की बात करूं तो दोनों टाइप की कार बफरिंग आती है, गोल वाली बड़े वाली आती है जो कि बाहर शो पे होती है, और छोटी लाइटिंग के लिए एंगल कार वॉशिंग कार बफरिंग भी आता है बेसिकली, और ग्लास वॉश मशीन भी आती है। अगर मैं इक्विपमेंट की बात करूं कि इक्विपमेंट आपको क्या क्या लगने वाला है, तो फोम लेंस हो गया, जो कि एक बड़ा जो आप जेट जिससे मारते हैं उसको लेंस बोलते हैं बेसिकली, तो फोम लेंस हो गया जिससे कि आप उसमें फोम निकलता है, जो मतलब झाग वाला जो साबुन का जो झाग या आप उसको शैम्पू बोलिए साफ बोलिए बेसिकली, वो सोप आता है ग्रीन सोप, आगे हम बात करें क्या क्या कंज्यूमेबल लगेगा, सोप उसको बोला जाता है, फोम उसको बोला जाता है, सोप फोम, तो फोम लेंस आपको लग जाता है, होस पाइप लग जाता है, होस पाइप की फिटिंग्स आपको लग जाती है, अंडर बॉडी लेंस लग जाता है, जो कि आप इधर फोटो में भी देख सकते हैं, जो कि कार के नीचे जाता है और वो नीचे से बैक ऐसे प्रेशर मारता है जो कि नीचे की धुलाई भी हो जाती है बिना आप अंदर घुसे, और या फिर कोई ऐसे बिल्कुल ट्रैम्प बिना बनाए भी आप उसको नॉर्मली नीचे से क्लीन कर सकते हैं आसानी से विद दी हेल्प ऑफ दिस इक्विपमेंट। अगर मैं बात करूँ ड्राई स्क्रीमर, तो ड्राई स्टीमर भी आपको लग जाता है, इंटीरियर न्यूबलाइजर आपको लग जाता है, बेसिकली ड्यू एक्शन पॉलिशर आपको लग जाता है, और पेंसिल पॉलिशर लग जाता है, जो छोटा सा पेंसिल ये रहता है जिसको आसपास में लाइटिंग के आसपास में घुमाना पड़ता है बेसिकली, उससे ज्यादा अच्छा जल्दी क्लीन हो जाता है। अगर कंज्यूमेबल की बात करो, कंज्यूमेबल आपको क्या क्या लगने वाला है, तो बेसिकली ग्रीन एप्पल फोम आपको लग जाता है, जो फोम रहता है आपको, इंजन बेसिकली लिक्विड लग जाता है बेसिकली, फॉक्सी क्रीम लग जाती है आपको, रविस क्लीन लग जाता है, टायर टोनिक लग जाता है, जो टायर को चमकाने के लिए बेसिकली टोनिक आता है वो आपको लग जाता है, ग्लास ग्लोस आपको लग जाता है। प्रोसेस की बात करें कि प्रोसेस आपको कैसे करना, बेसिकली सबसे पहले आपको इंटीरियर क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम क्लीनर, जो आपके पास में प्रोफेशनल वैक्यूम क्लीनर, उससे इंटीरियर क्लीन करना है, एक्सटीरियर क्लीन आप वाटर से नॉर्मल वाटर से आपको क्लीन करना है, ग्लास की रैपिंग करनी है ग्लास रैपिंग मशीन से बेसिकली, डैशबोर्ड की आपको क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग करनी है, और बेसिकली इंजन का जो सरफेस है वो बेसिकली स्टीम क्लीनिंग होता है, उसके लिए स्टीम क्लीनिंग आपको करना है। और बेसिकली अगर मैं बात करूं बेसिकली जो बॉटम रहता है, तो कार का जो बॉटम है वो अंडर बॉडी लेंस ट्यूब जो रहती है उससे आपको क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। अगर मैं बात करूं बेसिकली टायर सरफेस है वो, तो टायर टोनिक बेसिकली क्रीम आती है, तो वो टोनिक से भी आप उसको पॉलिशिंग करना है, और माइक्रोफाइबर क्लोथ्स आता है तो हाथ से भी उसको आप कर सकते हैं, और जो मेन बॉडी सो सामने जो रहती है बेसिकली उसको आप पॉलिशिंग विद द हेल्प ऑफ वैक्स कर सकते हैं, या फिर सिंथेटिक्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिकली फ्रेंचाइजी की, कोई इसकी फ्रेंचाइजी भी होती है, ये तो था अब तक का कि आप अपने से खुद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो बनी बनी कंपनी है जैसे कि द जेबर्ट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, उनका अगर आप
फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो थोड़ा कॉस्टली है, 1.5 लाख यूएस डॉलर का, यानी लगभग 1.21 करोड़ रुपीस, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 1.21 करोड़ रुपीस होता है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। वो लोग आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, इक्विपमेंट भी देते हैं, टूल भी देते हैं, क्लासेस भी देते हैं, वो आपको समझाते भी। दे आर सिंस लास्ट 1959 से वो बेसिकली इस बिजनेस में, मोर देन 36 कंट्री में उनका बेसिकली ये काम चलता है कार वॉशिंग का, जो प्रोफेशनल कार वॉशिंग रहता है, और मोर देन 1300 बेसिकली उनकी यूनिट्स हैं, उनकी फ्रेंचाइजी। ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी की तारीफ नहीं कर रहा, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट स्टडी पर्पज के लिए आपके लिए ये बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि आप उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, या उनकी तरह कोई और भी है उनकी भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि बेसिकली लोकल में जॉब कर रहा है, इंटेल से मार्केट में आना चाहता है, या फिर जो जॉब कर रहा है वो बिजनेस में आना चाहता है, या फिर जो पोर्टगल को बेसिकली टारगेट कर रहा है उसमें आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। एक हमारा वीडियो भी है कि पोर्टगल में बेसिकली कैसे बिजनेस आप रजिस्टर कर सकते हो, अगर आपने देखा है हमारे चैनल पर जाके आप उसको भी देख सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही हमेशा की तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel and press the bell icon to get the all new notification of the videos. Thank you.